गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डी ई एस सी ई एन डी आई एन जी डिसेंडिंग ओ आर डी ई आर ऑर्डर। तो देखिए डिसेंडिंग मींस क्या होता है। डिसेंडिंग पहले तो देखिए असेंडिंग मींस क्या होता है। असेंडिंग मींस होता है छोटे से बड़े क्रम में बढ़ते हैं इसमें। और डिसेंडिंग में क्या करते हैं, हम बड़े से छोटे क्रम में आते हैं, यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, ऊपर से नीचे आते हैं। डिसेंडिंग में हम ऊपर से नीचे आते हैं और असेंडिंग में नीचे से ऊपर जाते हैं। तो हम डिसेंडिंग पढ़ रहे हैं, तो डिसेंडिंग में ऊपर से नीचे आना है, यानी कि यहाँ टेन से आना है ऊपर से। ये सबसे पहले क्या आएगा, टेन, फिर उसके बाद नीचे आना है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टेन से टेन नाइन एट सेवन सिक्स ऐसे आना है नीचे, ठीक है। तो क्या होता है डिसेंडिंग मींस नीचे आना। तो हमको इसमें चेक करना है, तो देखिए इसमें हमको सबसे पहले कौन सा नंबर देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा नंबर। इसमें हमको देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, घटते हुए क्रम में आना है इसमें। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहां से चेक करिए टेन से। तो देखिए इसमें टेन है क्या, सबसे पहले टेन इसमें नहीं है तो छोड़ दो। टेन के बाद में क्या है इसमें, नाइन, तो चेक करिए नाइन है क्या, नाइन इसमें है तो यहाँ राइट कर दो नाइन। नाइन के बाद में क्या है, करते हुए क्रम में आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं हम, तो नाइन के बाद में है एट, तो इसमें चेक करिए एट है क्या, एट इसमें है तो एट राइट कर दो। एट के बाद में आता है सेवन, तो इसमें चेक करिए सेवन है क्या, सेवन इसमें नहीं है, सेवन नहीं है छोड़ दो। सेवन के बाद में क्या आता है सिक्स, तो इसमें चेक करिए सिक्स है क्या, सिक्स इसमें है तो सिक्स राइट कर दो। सिक्स के बाद में आता है फाइव, चेक करिए फाइव है क्या, है, और फाइव के बाद में आता है फोर, तो फोर चेक करिए है। तो फोर के बाद में आता है थ्री, थ्री चेक करिए इसमें है क्या, थ्री इसमें नहीं है, थ्री नहीं है तो छोड़ दो। थ्री के बाद में आता है टू, टू है इसमें, है, बस हो गया कंप्लीट। इस तरीके से करना है आपको। एक और देखिए, पहले कौन सा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, टेन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वन वाली लाइन की है ना, तो टेन से स्टार्ट करो। देखिए टेन है क्या, टेन इसमें नहीं है, टेन के बाद में आता है नाइन, नाइन इसमें है क्या, नाइन नहीं है, नाइन के बाद में आता है एट, एट है क्या, एट है तो एट ऐड कर दो। फिर एट के बाद में क्या आएगा, सेवन, सेवन के बाद में क्या आता है सिक्स, तो देखिए सिक्स है क्या, है तो राइट कर दो। सिक्स के बाद में आता है फाइव, तो देखिए इसमें फाइव है क्या, है, और फाइव के बाद में आता है फोर, तो इसमें देखिए फोर है क्या, है फोर। फोर के बाद में आता है थ्री, थ्री इसमें नहीं है तो छोड़ दो, जो नहीं है उसको छोड़ना है। थ्री के बाद में आता है टू, तो देखिए टू है क्या, टू है, ठीक है। एक और देखिए, ये कौन सी लाइन है, 11 वाली लाइन है ना, तो हम 20 से चेक करेंगे, 20 से घटते हुए क्रम में आ रहा है ना। पहले सबसे बड़ा नंबर देख, 11 की लाइन में सबसे बड़ा नंबर होता है 2020, तो हम 20 से चेक करेंगे। 20 से देखो इसमें 20 है क्या, 20 इसमें नहीं है तो छोड़ दो। अब 20 के बाद में क्या आता है, उल्टा चलते हैं ना, 20 के बाद में आता है 1919, तो इसमें चेक करो 19 है क्या, 19 है तो 19 लिख दो। 19 के बाद में क्या आता है, 1818, तो 1818 इसमें है। 18 के बाद में क्या आता है, 17, तो इसमें चेक करो 17 है क्या, है। 17 के बाद में क्या आता है, 16, तो चेक करिए 16 है क्या, 16 इसमें है, नहीं है, 16 नहीं है तो छोड़ दो। अब 16 के बाद में क्या आता है, 15, तो चेक करिए 15 है क्या, है। 15 के बाद में आता है 14, 14 है नहीं है। अब 14 के बाद में आता है 13, तो देखिए 13 है,
थर्टीन के बाद में आता है ट्वेल्व, ट्वेल्व तो इसमें नहीं है तो छोड़ दो, ट्वेल्व के बाद में आता है इलेवन, तो इलेवन टाइप कर दो। ठीक है, आगे समझ में।